जी, बहुत साधारण सा बिल्कुल और बहुत पुरानी चर्च। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा जिसमें फिर बार में कहा क्या कि प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं। और ये हमारे सम्माननीय श्रद्धे श्री सुशील कुमार जी दीक्षित तथा श्री सत्येंद्र कुमार जी के दोनों लोगों के तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान करे ये दोनों में प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे, कभी भी उस प्रेम के दीवार में कभी दरार न पड़ने पाए। भगवान से बस यही प्रार्थना और ये 101 रुपए हमारे सम्मानी श्री अमरनाथ जी सैनी और मेघनाथ जी राठौर, इन दोनों भैया लोगों की ओर से 101 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रसंग संधिगा प्रसंग समझिएगा, क्योंकि जब तक प्रसंग नहीं समझेंगे तो आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल करो। सागर के किनारे भगवान श्री राम की सेना, सागर के उस पार रावण की सेना, सागर के इस पार प्रभु श्री राम की सेना सेना लेकिन
राम और लक्ष्मण का हरण हो गया। समझो, जिस शिविर में भगवान श्री राम लक्ष्मण सोए हुए थे उनका हरण हो गया। अब रामादल में हाहाकार मच गई कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण का क्या हुआ। और तब तो जब किस शिविर में भगवान राम लक्ष्मण सो रहे थे उसके बाहर के पहरेदार आदम व्यासी विनोद जी, बिल्कुल मैं खुद चक्कर में हूं कि पहरे पे पीर हनुमान बहुत बढ़िया काम किया आप लिख करके दे आए। ये एक सवेर रुपए प्राप्त हुए हैं। इस पुरस्कार के दाता हैं हमारे सम्मानी श्री सत्येंद्र कुमार जी प्रधान, श्री अमर नाउ सेन और श्री कल्लन फर्नीचर। क्षमा करें हमें, थोड़ा लिखने में आपने इस रफ्तार से लिख दिया तो कलम कहीं दूसरी जगह बह गई। ठीक है, मुझे पढ़ने में भी इसलिए कठिनाई हुई, क्षमा चाहता हूँ। ये हमारे श्री सत्येंद्र कुमार जी प्रधान और आदरणीय श्री अमरनाथ जी सेन और श्री कल्लन फर्नीचर, आप लोगों की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आप सबका आभार। बुजुर्गी का ध्यान देते हुए तो सुनिए आप, सुनिए कि पहरे पे पीर हनुमान देखिए कोई सवाल नहीं। आदरणीय विनोद जी ये ना सोचेगा कि रतिराम कोई सवाल कर रहा, आप मेरी आदत जानते, मैं अपने जीवन में मैं कभी सवाल मैंने नहीं किया। बिल्कुल दादा बिल्कुल, लेकिन मैं अपने आप से जानना चाहता हूँ, आपसे नहीं अपने आप से जानना चाहता हूँ आदरणीय दीक्षित जी कि पहरे पे वीर हनुमान, पहरे पे वीर हनुमान को कैसे हरण हुआ। समझो, पहरे पे वीर हनुमान को कैसे हरण हुआ, जब सोए न लखन हनुमान तो कैसे पहली पंक्ति देखें आप कि 14 बरस तक लक्ष्मण नीति प्रति रहे जग के। समझो, और ये हमारे सम्मानी श्री 101 रुपए श्री सत्येंद्र प्रधान जी, श्री सत्येंद्र नाथ प्रधान जी और 101 रुपए हमारे सम्मानी श्री सुशील दीक्षित जी, आप दोनों की तरफ से 101 रुपए आए हैं। आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। की समझेगा कि 14 बरस तक लक्ष्मण नीति प्रति रहे जगते, तो उनका सोने का सवाल ही नहीं बैठता था जब 14 बरस तक उनको वरदान था। 14 बरस तक वो सोए ही नहीं, तो सोने का प्रश्न ही उठता था। 14 बरस तक लक्ष्मण नीति प्रति रहे जगते, रहकर समर्पित से
कर समर्पित सो माया पर या तो कोई 14 बरस तक लक्ष्मण नित प्रति जगत रहे जगते रहकर समर्पित सेवा में प्रभु को रहे भजते तो माया पति पर या तो कोई कर गया माया ऐसे कुछ हुआ होगा मायापति पर या तो कोई कर गया माया मायापति पर या तो कोई कर गया माया और या तो किसी ने शक्ति से दोनों को सुधाया हनुमान जी को और लक्ष्मण को किसी ने अपनी शक्ति से सुला दिया हो क्यों क्यों अरे कुछ लगता नहीं हनुमान लगता नहीं हनुमान न कुछ स्मरण हुआ क्यों क्यों पहरे पे वीर हनुमान सोच रहे हैं चिंतन कर रहे हैं मंथन कर रहे हैं कि आखिर जब पहरेदार मजबूत मजबूत पहरेदार शिविर के बाहर ये हमारे आदरणीय श्री सुशील दीक्षित जी उर्फ बड़े लल्ला तथा श्री सत्येंद्र प्रधान जी आप दोनों की तरफ से 201 रुपए पुरस्कार आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है देखें आप जब ऐसे ऐसे मजबूत लोग ऐसे ऐसे बलधारी लोग पहरे पर हैं तो कैसे उनका हरण हो गया क्या पूरी बात समझे अब भालू बंदर सोच रहे हैं या तो स्वयं चल कर गए या तो प्रभु राम लक्ष्मण दोनों भाई कहीं चले गए निकल गए या तो स्वयं चल कर गए करने कहीं विचरण और वातावरण को जानने वातावरण को जांचने करने गए सुमिरन बड़ी विचित्र चीज है समझो या तो स्वयं चल कर गए करने कहीं पिछड़ा वातावरण को जांचने करने गए सुमिरन और या लीला है उनकी कोई या सबकी परीक्षा है सब भालू बंदर सोच रहे हैं आओ क्या या लीला है उनकी कोई या सबकी परीक्षा और या हम लोगों के बल की प्रभु को है प्रतीक्षा प्रभु को है प्रतीक्षा प्रभु को है प्रतीक्षा क्योंकि अरे मिल रहा ना कोई प्रमाण अनुकरण हुआ क्योंकि पहरे पे वीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ
हनुमान जी ने विभीषण से पूछा जिन्होंने देखा कि रात में भगवान राम लक्ष्मण के शिविर में विभीषण जी आए थे। तो विभीषण जी से हनुमान जी ने पूछा कि हे विभीषण, क्या आप प्रभु श्री राम लक्ष्मण के शिविर में अंदर गए थे? बताओ। विभीषण जी सोचने लगे, कहने लगे, विभीषण जी असमंजस में पड़ गए। वो सोचने लगे, ये लोग क्या मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि रात में, अरे रात में मैं आया नहीं, मैं तो गया नहीं। बिल्कुल। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, विभीषण जी ने कहा, अरे रात में मैं आया नहीं, पर है मेरा जाना। जान गया हूँ ये किसका हाथ हो सकता है। जान गया, मैं शिविर के अंदर तो नहीं गया, लेकिन मेरी जानकारी में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ ये कौन कर सकता है कि रात में मैं आया नहीं, पर है मेरा जाना। बस एक अहिरावण ही है आया बदल। असुर लंकेश का ही करता अनुसरण, उसने ही मेरे भेष में आकर किया। पहरे पे वीर हनुमान कैसे आखिरी तुम। बिल्कुल। ये जानकर विभीषण ने कहा, ये काम हनुमान जी कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये काम अहिरावण ही कर सकता है। तब ये सुन करके वीर बजरंगबली बाबा महाराज, अरे गुस्सा भयंकर भर गया अंजनी लाल में, गुस्सा भयंकर भर गया है अंजनी लाल में। तो ना देर की पहुंचे तुरंत बजरंग पाता, टूटा भरोसा नाथ का शायद मेरे द्वारा, टूटा भरोसा नाथ का शायद मेरे द्वारा। और जा करके उस पाताल ने उस दुष्ट को हनुमान तो कैसे
कसादत गंज है, 30 साल से 30वां साल का कार्यक्रम हो रहा है और बजरंगबली बाबा से आप लोग आशीर्वाद भी पाना चाह रहे हो और फिर भी उनका जयकारा लगाने में एक कंजूसी, मुझे असादतगंज वालों से कम तो ऐसी उम्मीद नहीं। अरे कम से कम इतनी जोर से आवाज लोग जयकारा लगाइए कि न संडीला तक तो कम से कम कामपुर तक तो आवाज पहुंचे। दोनों हाथ खड़े करके आनंद आ गया। बजरंग बली बाबा महाराज सब को लंबी उम्र दें और सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, बजरंग बली बाबा की संपर्क कथा बनी रहे। आइए जिन कलाकार का आप लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो बड़े ही शिष्य, बड़े ही विद्वान और बड़े ही अच्छे कलाकार, मिलनसार कलाकार कानपुर से पधारे हुए सम्मानी श्री आदरणीय श्री विनोद अनुरागी जी अपने समंडल साथियों के साथ सुंदर सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए श्री विनोद जी, स्वागत है आपका। भैया सुंदर के प्यार समंदर से गहरा प्यार की कोई उम्र नहीं होती यार। आज हमने महसूस किया दिवाली के प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये लोग कहते हैं। बापे में उम्र में क्या बाबा, देखो ये सब ना कहो, अगर उधर बुढ़ापा है तो इधर कौन जवानी है। माना, लेकिन उधर जो कहानी है इधर वो कहानी है। ठीक है, वो बड़े हैं तो बड़े हैं, कभी टोक रहा है, छोटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ कहने नहीं देंगे बड़े भैया। ना 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 ना, हम उनकी शरण में पड़े हैं भैया, बड़े भाई हमारे। प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, तो भी ना लगे ये लोग कहते हैं, हमसे पहले कितनी इस प्यार के मारे इस इश्क की दरिया में है डूब गए सारे, कर जाए इसे हम पार, कर जाए इसे हम पार, ये दुनिया याद करे हम जिए मरेंगे यार, ये दुनिया याद करे हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद, ये मरेंगे यार की दुनिया याद।
इसमें कोई सवाल आ रहा है, पहरे पे वीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ, लेकिन बाद में आपने उसको खोल दिया, फिर भी एक प्रयास देखिएगा इस गीत के प्रति जवाब का। के श्री महावीर हनुमान जयंती के रूप में इस आज का दिन मनाया जाता है, और ऐसे पावन अवसर पर आपने हनुमान जी पर ही आरोप प्रत्यारोप गीत के माध्यम से लगे, पहले पे वीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब सुनिए। जब हनुमान जी पर बात आई कि पहरेदार कपीवर थे, फिर भी राम और लक्ष्मण का हरण हो गया, तो हनुमान जी ने किया क्या, जरा सुनिए। श्री महावीर बलवान श्री महावीर बलवान, श्री महावीर बलवान असुर का क्षरण हुआ। श्री महावीर बलवान असुर का क्षरण हुआ, लाए हैं उन्हें हनुमान जिनका हरण हुआ। ये क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी लाइन होनी चाहिए। और ये हमारे बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है हमारे ब्रजेश जी की तरफ से। क्या बात है, इस जवाब को जिन्होंने लिखा है, वाह, पंडित श्री हरवंश कुमार जी वाजपेयी कंचन जी के लिए, कंचन कानपुरी जी के लिए 50 मुद्राएं हैं। बहुत सुंदर है जवाब की पहली लाइन पे, क्या बात। और ये एक से एक पत्र मुद्राएं भैया श्री विजय सिंह यादव जी, वाह, जुगाड़ी यादव, आजकल जुगाड़े से काम चलता है। और हमारे सोनू मिस्त्री, दोनों भाइयों की तरफ से ये एक से एक पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं इस रचना के लिए। हृदय से साधुवाद है, हृदय से मंगल कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री महावीर बलवान
असुर का क्षरण हुआ, लाए हैं उन्हें हनुमान था जिनका हरण हुआ। देखिएगा हरण आखिर हुआ क्यों, कैसे हुआ? मायावी ने माया से, मायावी ने माया से माया पति को भरमाया, छल से हरण किया था कोई जान नहीं पाया। और जब कोई जान नहीं पाया पुलिस जानकारी हुई, विभीषण महाराज ने बताया, दुख से द्रवित होकर श्रीमान है चले, श्री राम लखन के हित मतिमान है चले, पहरे पे वीर सुजान, उसका निराकरण हुआ। पहरे पे वीर सुजान, मकर ध्वज, यानी मकर ध्वज, क्या बात है उधर। पहरे पे वीर सुजान उसका निराकरण हुआ, लाए हैं उन्हें हनुमान जिनका दर्शाना चाहता हूँ। उधर हनुमान जी अगर पहरे पे हैं, इधर मकर ध्वज पहरे पे हैं, क्या बात है कि करना था निश्चर कुल का, कुल का अपने तारण करण, तो हरण किया श्री राम लखन का था ये भी एक कारण। चूंकि ये देखिए ये लीला है भगवान की, और सच्चाई तो कुछ और है। आप वनवास गमन से अगर ले लीजिए तो माता जानकी ने कभी नहीं चाहा कि राम को वनवास हो, स्वयं राम ने प्रेरित किया, भगवान राम ने अपनी सौगंध दिला दी, तब माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा। और ठीक इसी तरह से भगवान को तो तरण तारण करना ही था, क्योंकि उन्होंने कई जन्म पहले वादा कर लिया था कि जाओ जाओ जय विजय, तुम तीन जन्म तक असुर बनोगे और हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, अकेले नहीं तुम्हारे परिवार सहित। दुख से द्रवित हो, अरे कंटकी का करके हनन किया उसका निवारण। जो कंटकी जो माता थी, माता काली मंदिर की पुजारण थी, उसी मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण विराजमान थे। पहले हनुमान जी ने कंटकी को मारा, ये भेद वहां पर एक थी चंद्रसेना ने बताया, और ये भी बताया कि अहिरावण के प्राण पांच भवरों के अंदर हैं, पांच भवरों के अंदर
आदरणीय जन समुदाय बड़े ध्यान से सुनिएगा, अहि रावण को ऐसे कोई मार नहीं सकता था। ना? चार भंवरे अगर एक साथ मरेंगे तब भी अहि रावण मर नहीं सकता। पांचों भंवरों को एक साथ अगर मारा जाए प्राणांत हो सकता है अहि रावण का। उसके प्राण पांच भंवरों में छुपे हुए थे, इसीलिए श्रीमान जी हनुमान जी ने वहां पर पांच मुख धारण कर लिए। क्या बात है, वाह, पंचमुखी हनुमान जी ने वहीं पर ये रूप बनाया और पांचों मुखों से एक साथ पांचों भंवरों को अपने दांतों से चबा कर छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। कंठ की ककर के हनन किया उसका निवारण, कपिवर ने उसी समय किया है पांच मुख धारण, किया कष्टों का है निदान। किया कष्टों का है निदान, दूर आवरण किया से जवाब का प्रयास रहा। इस जवाब के लिए भैया श्री विजय